चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। चैप्टर का नाम तो बड़ा वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही है, बट हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो इसका पहला पार्ट है ना, उसे हम एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कह रहे हैं, और जो अगला पोर्शन होगा उसमें हम बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ लेंगे। तो आप एक बार ऐसा मान के चल सकते हो कि हम इस चैप्टर में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम प्रीडोमिनेंटली ये पढ़ेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल के कारण आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे कैसे आती हैं, किसी करंट कैरिंग वायर, ऐसा तार जिसमें करंट जा रहा हो उसके कारण आस पड़ोस के रीजन के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट आएंगे। ठीक है, जैसे ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये काम छोटा नहीं है, इसमें खूब सारे डेरिवेशंस हैं, खूब सारे फॉर्मूले हैं। डेरिवेशंस तो ऑफकोर्स ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चों को तो आनी चाहिए, कोई सी बोर्ड में पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी रिलेटेड टाइप के बच्चे हैं बड़ा, वो तो डेरिवेशंस को स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि डेरिवेशंस ऑफकोर्स किसी भी बढ़िया सवाल को सोचने समझने में तो हेल्प करती ही है, वो फिर भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगला हिस्सा इस चैप्टर का जो अगला हिस्सा होगा उसमें हम कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल पड़ा है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उस चार्ज पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है तो उसके पास कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगे, वो कैसे कैसे भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा, कहाँ जाएगा, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी शीट एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, एक ही शीट है, क्योंकि ये सवाल तो कोर रिलेटेड ही है, ऐसा अलग अलग चैप्टर है नहीं, अपन ने बना रखा है। ठीक है, सो जो पहला सेक्शन है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर मैग्नेटिज्म क्या है। किसी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल मतलब जिसके पास नेट चार्ज ना हो, किसी न्यूट्रल बॉडी के पास वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये बॉडी किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट या रेपेल कर पाए, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म। सुनना इस बात को, आपके पास ये बॉडी, ये बॉडी आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये आपके पास दूसरी बॉडी, ये बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एंड ये दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल्स नहीं है। ठीक है, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रेपेल कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा इस फोर्स को तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और इन बॉडी की इस प्रॉपर्टी जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रेपेल कर पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म। आप कहोगे सर ये अट्रैक्ट और रेपेल तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी कर सकते हैं। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं, रेपेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर तो कोई दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को रेपेल कर रही है और चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि पक्की बात है कि दोनों के दोनों मैग्नेटिक फोर्स के कारण रेपेल कर पा रहे होंगे, और जिस ये जो प्रॉपर्टी है इन बॉडीज को उसको हम नाम दे देंगे मैग्नेटिज्म। सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टेट दैट, लिखना भी इस बात को, इफ टू न्यूट्रल बॉडीज, बड़ा इलेक्ट्रिक डायपोल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, इफ टू न्यूट्रल बॉडीज आर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर कॉमा देन दिस फोर्स शुड बी मैग्नेटिक फोर्स। This property of the bodies, this property of the bodies is known as magnetism, is known as magnetism. I hope that's okay. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज होती तो आप कहते कि सर ये अट्रैक्शन या रिपल्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। मैंने जानबूझ के कहा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता।
एट्रैक्शन और रिपल्शन, एट्रैक्शन तो फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ का कारण हो सकता है, रिपल्शन तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्सेज के कारण हो सकता है। तो आप इस तरह से मैग्नेटिक फोर्सेज को या मैग्नेटिज्म को डिफाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, अगली बात, मैग्नेटिज्म जो है इसके पीछे का कारण क्या है। मैं इस बात को बहुत ही क्लियर कर दूं, और इस बात को हम पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी, और वो ये है कि ना इस मैग्नेटिज्म के पीछे कारण या मैग्नेटिक फोर्सेस के पीछे कारण है तो चार्ज ही। आप भी कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है कि उनके पास नेट चार्ज जीरो है, लेकिन उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो होंगे होंगे, और वो किसी न किसी लूप के अंदर, किसी न किसी सर्किट के अंदर भाग रहे होंगे। और जब ये चार्ज पार्टिकल्स भागेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल्स आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और इवन मैग्नेटिक फोर्सेस को एग्जर्ट भी कर सकते हैं। सो जो बेसिक कारण है मैग्नेटिज्म का, या फिर जो बेसिक कारण है मैग्नेटिक फोर्सेस का, वो अब भी आपके चार्ज पार्टिकल्स का भागना है, चार्ज पार्टिकल्स का मूव करना है। अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में इस बात को लिखा था कि जो चार्ज पार्टिकल दौड़ रहा होगा भाग रहा होगा किसी वेलोसिटी के साथ, वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्सेस भी क्रिएट कर सकता है। तो इस बात को लिखना बच्चों। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो भी बड़ा चार्ज पार्टिकल्स हैं, चाहे कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो दौड़ना कूदना फांदना है वही मेन कारण है आपके मैग्नेटिज्म के पीछे, या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस के पीछे। आई होप दैट्स ओके। अगली बात, जो बॉडीज मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे पर लगा सकती हैं, दीज बॉडीज आर नोन एज मैग्नेट्स। बॉडीज विच पजेस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म is known as magnets। कोई भी ऐसी बॉडी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हो, पजेस करती हो, उसे हम मैग्नेट्स कह सकते हैं। मैग्नेट्स के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें सुनिएगा। मैं मैग्नेट्स में स्पेसिफिकली बार मैग्नेट बोलना चाहता हूं बच्चों। बार मैग्नेट नाम से आइडिया लग गया होगा, इट विल बी समथिंग लाइक स्टिक, ऐसा होगा स्ट्रेट टाइप। दिस इज योर बार मैग्नेट, इस तरह से ये आपकी बार मैग्नेट होगी। और अगर इस तरह की बार मैग्नेट को हम लोग बीचों बीच से थ्रेड से अगर बांधते हैं, तो इसका एक हिस्सा हमारे जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ पॉइंट करेगा, और एक हिस्सा ऑफ कोर्स साउथ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को टिल्ट करेगा। जैसे आपने बार मैग्नेट को रस्सी से बांध के छोड़ दिया, तो एक हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ अपने आप को पॉइंट करेगा और दूसरा हिस्सा अपने आप को साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। जो पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को पॉइंट कर रहा है उसे मैं नॉर्थ पोल कह रहा हूँ, और जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे मैं साउथ पोल कह रहा हूँ। दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम कैसे पड़े, कि आपकी जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब ऐसे किसी रस्सी से बांध के छोड़ दिया, तो इसको तुम कहीं से भी छोड़ दो, जैसे छोड़ोगे एक हिस्सा पॉइंट करेगा साउथ की तरफ, एक हिस्सा पॉइंट करेगा नॉर्थ की तरफ, इसलिए हमने इनके नाम निकाल दिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट विल, दिस इज योर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एंड दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड
north direction, and this end will point toward south direction. ये north की तरफ point करेगा और ये south की तरफ point करेगा. इस कारण से हमने इसका नाम निकाल दिया north pole और इसका नाम निकाल दिया south pole. Fair enough. ये जो अकेला north pole है इसका हम एक नाम निकाल रहे हैं, मोनोपोल. मोनो मतलब अकेला. और ये जो साउथ पोल है इसको भी आप कह सकते हो कि ये एक मोनोपोल है. मोनोपोल मतलब इकलौता पोल. दोनों पोल एक साथ हैं इसलिए हम इस पूरी की पूरी मैग्नेट को एक नाम दे सकते हैं, डाइपोल. क्या नाम दे सकते हैं बेटा? डाइपोल. डाई स्टैंड्स फॉर टू. This die stands for two. तो दो पोल एक साथ है इसलिए क्या नाम निकाल दे इसका? डाइपोल. हालांकि हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्सेस में भी पढ़ा था, तो वहां पर हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इसको आप बोल सकते हो कि इट इज योर मैग्नेटिक डाइपोल. सो योर बार मैग्नेट इज बेसिकली ए मैग्नेटिक डाइपोल. इट इज बेसिकली ए मैग्नेटिक डाइपोल. दो पोल्स साथ साथ में हैं इसलिए क्या नाम निकाल दिया इनका अपन ने? डाइपोल. अकेले पोल का क्या नाम निकालोगे? अकेले पोल का नाम निकालेंगे मोनोपोल. दोनों पोल साथ में हैं इसलिए पूरी मैग्नेट का क्या नाम निकाल दिया? मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेट की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, सुनेगा अच्छी लगेंगी. अगर आपने इस मैग्नेट को यहां से कट कर दिया तो जैसे आप कट कर दोगे तो नॉर्थ पोल तो यहां रहेगा और यहां पर अपने आप एक साउथ पोल बन जाएगा और यहां पर अपने आप एक नॉर्थ पोल बन जाएगा. तो नॉर्थ के साथ यहां पर आ जाएगा साउथ और यहां पर इस साउथ के साथ आ जाएगा आपके पास ये नॉर्थ. इस तरह से अगर आपने इसको फर्दर कट कर दिया, जैसे कट करोगे वैसे ही इस नॉर्थ के साथ यहां पर आ जाएगा साउथ और इस साउथ के साथ यहां पर आ जाएगा नॉर्थ. मेरी कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी मैग्नेट को कट करते हो तो ऐसा नहीं है कि यहां से कट कर दे तो नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अलग हो गया. अगर यहां पर नॉर्थ पोल होगा तो अपने आप यहां पर एक साउथ पोल आ जाएगा. अगर यहां पर साउथ पोल है तो यहां पर अपने आप आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा. व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अकेला जो मोनोपोल है, मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मोनोपोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा. नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल साथ में होगा, साउथ पोल है तो उसके साथ में कोई ना कोई नॉर्थ पोल तो होगा ही होगा. तो आप एक बात लिख सकते हो, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मोनोपोल और साउथ पोल मिलकर एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, मिलकर एग्जिस्ट करेंगे. अगली बात, अगर आपके पास मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेट है, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये दूसरी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. जिस तरह से अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से ये अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो इस साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींचेगा और इस साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींचेगा और जिस फोर्स से खींचेगा उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स. मैंने FM लिख दिया, FM ऑब्वियसली मीन्स मैग्नेटिक फोर्सेस. लाइक पोल्स विल रेपल एंड अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट. ये अनलाइक है. इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का जुगाड़ है कि ये नॉर्थ और ये साउथ, एक दूसरी मैग्नेट पड़ी है यहाँ कहीं जिसका ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये लाइक पोल्स हैं. ये लाइक पोल्स एक दूसरे का करेंगे रेपल करेंगे. तो ये साउथ साउथ एक दूसरे को रेपल करेंगे, ये साउथ साउथ एक दूसरे को रेपल करेंगे और ये जो फोर्स आएगा ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा. फेयर इनफ. इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है. वो ये कहते हैं कि देखो सर, ये साउथ, ये जो साउथ है इसको ये साउथ रेपल कर लिया, मान लिया,
लेकिन सर इस साउथ को ये नॉर्थ अट्रैक्ट भी तो कर रहा होगा, तो सर कुल मिलाकर इस पूरी की पूरी बार मैग्नेट पर नेट फोर्स इधर क्यों आया? भाई जितना मैंने समझाया उससे कोई ना कोई बच्चा तो ये सोचेगा कि सर इस साउथ पोल को ये साउथ पोल अपने अपने से दूर की तरफ धक्का मार रहा है, लेकिन ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट भी तो कर रहा होगा। फिर आपने नेट रिपल्सिव कैसे लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया क्योंकि ये दोनों जो मोनोपोल्स हैं नज़दीक हैं, नज़दीक हैं तो इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स बड़ा होगा। ये नॉर्थ और ये साउथ, सॉरी ये नॉर्थ और ये साउथ दूर है तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स छोटा होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स छोटा होगा तो आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्स छोटा रिपल्सिव फोर्स बड़ा, तो नेट फोर्स जो आएगा वो इस तरह से रिपल्सिव आ जाएगा। ऐसा मतलब कई बच्चों को डाउट रहती है तो मैंने बता दिया इस बात को कि बेटा ऐसा ऐसा है, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए ये बात थी मैग्नेट की, लेकिन बातें पूरी नहीं हुई हैं, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज पोल स्ट्रेंथ। सुनना बच्चों, अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है, लेट से ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितने ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, अपने आस पड़ोस की बॉडीज पर कितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, उस चीज को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। लेट मी गिव एन एग्जांपल लाइक दिस, कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर यहां पर चार्ज प्लस क्यू है और यहां पर चार्ज माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू जितना बड़ा होता था आस पड़ोस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस प्लस क्यू की वजह से उतने ही ज्यादा होते थे, है कि नहीं। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस माइनस क्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती थी, माइनस भूल जाओ, वैल्यू जितनी बड़ी होती थी ये अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतने ही ज्यादा क्रिएट कर पाता था। तो जो औकात इस क्यू चार्ज की थी वही औकात यहां पर इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ की है, और पोल स्ट्रेंथ को हम प्लस एम और माइनस एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्थ पोल के लिए प्लस एम, साउथ पोल के लिए माइनस एम, दोनों की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ उनका प्लस माइनस वाला साइन ही डिफरेंट होगा, प्लस एम एंड माइनस एम, चलेगा। इस आपके पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू, मैं पहले दो चार बातें क्लियर कर दूं कि जो भी आपका नॉर्थ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगी, हमारा जो साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होगी। आपके इस पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी आस पड़ोस के रीजन के अंदर ये नॉर्थ पोल या फिर ये जो साउथ पोल है ये इतने ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स उतने ही ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आस पड़ोस के अंदर कोई बॉडीज ऐसी पड़ी हैं जो मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकती है तो उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्सेस भी उन पर लगा सकते हैं। तो एम की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये अपने आस पड़ोस के रीजन में उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके इस एम की वैल्यू जितनी छोटी होगी आस पड़ोस के रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स उतने ही कम होंगे। अगर आपके पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जीरो हुई इस बात का ये अर्थ है कि आस पड़ोस के अंदर किसी प्रकार के कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होंगे। जिस तरह से अगर चार्ज जीरो होता है तो उसके आस पड़ोस में कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से अगर आपका पोल स्ट्रेंथ जीरो है इट मींस दैट आस पड़ोस के रीजन के अंदर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। और पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जितनी बड़ी ऑफ कोर्स आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट उतने ही ज्यादा, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कम तो आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वैल्यू कम, ठीक है। अभी तक तो सब समझ में आ गया होगा, और पहला लेक्चर है बेटा, बहुत सारे टर्म्स आती रहती हैं इस तरह की, तो उनसे तुम यूज्ड टू हो जाओ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, और बोर होने वाला काम सिर्फ मान के चल लो आज और कल का है, उसके बाद कोई बोर होने वाला काम ही नहीं है, फिर बिल्कुल एकदम लाइफ एकदम चिल जाएगी।
लेकिन थोड़ा शुरुआत वाला जो काम होता है उसमें बच्चे थोड़े से बहक जाते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़िया से इस बारे की बात को समझ जाओ। आगे चले। ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज की तरह, जैसे चार्ज स्केलर पोल स्ट्रेंथ भी स्केलर। जैसे चार्ज जो था वो टू टाइप्स का था, उसी तरह से पोल स्ट्रेंथ भी टू टाइप्स का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैंने लिखा है पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एंड नेगेटिव स्टैंड्स फॉर साउथ, ठीक है। थर्ड यूनिट। बेटा मैं एक बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं यूनिट इसकी डिराइव नहीं कर पा रहा, मैं जो कह रहा हूँ आपको माननी पड़ेगी। हाँ, आगे जाकर कभी न कभी हो सकता है कि मैं इस पोल स्ट्रेंथ की यूनिट को डिराइव कर दूंगा, आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और इसकी यूनिट होगी एम्पियर इंटू मीटर। बड़ा प्लीज मान लो, कभी न कभी प्रूव कर देंगे, आज तो मान लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, आप बोलोगे सर चिंता ही नहीं है, एम्पियर तो करंट है तो उसके लिए आई, मीटर के लिए लेंथ है तो आई एल। कई जगह बच्चों आई को ए भी लिखते हैं, तो ए एल। फेयर एनफ। ये है हमारा पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, वैसे ही यहां पर एक टर्म है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सुनिएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसे हम कैपिटल एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। चिंता मत करो, सब आराम से जाएगा, सुनिएगा। आपके पास एक बार मैग्नेट है U, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, और बार मैग्नेट की एक बार के लिए लेंथ मान लीजिए L। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज था, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट माइनस एम से प्लस एम, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल से नॉर्थ पोल आप ऐसे एक एल वेक्टर मान सकते हो। क्या मान सकते हो बेटा? एल वेक्टर। एल वेक्टर की टेल कहां पर होगी? साउथ पोल पर। हेड कहां पर होगा? नॉर्थ पोल पर। बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एल वेक्टर की टेल कहां पर होती थी? नेगेटिव चार्ज पर। हेड कहां होता था? पॉजिटिव चार्ज पर। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज, याद करो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया था, पॉजिटिव वाला चार्ज इनटू एल वेक्टर, ऐसे किया था। यहां पर चार्ज नहीं, चार्ज नहीं, चार्ज नहीं। जो औकात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की थी, वही औकात यहां पर मैग्नेटिक, सॉरी बेटा, क्या पोल स्ट्रेंथ की है। तो आप बोल सकते हो सर प्लस एम इंटू एल वेक्टर। ये लो बच्चों, दिस इज योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बिल्कुल वैसा जैसा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैसा ही आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एम मास नहीं है, अबे एम मास नहीं है, एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, जिसकी यूनिट क्या है? एम्पियर इंटू मीटर। अपन ने घोट रखी एक बार के लिए, ठीक है। आ गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कुछ बातें बोल सकते तो बोलो। सबसे पहली बात कि ये वैक्टर है, वैक्टर तो अच्छी बात है, डायरेक्शन बताओ कहां से कहां है। आप बोलो सर डायरेक्शन है एल वेक्टर की तरफ, और एल वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां है? साउथ टू नॉर्थ। तो आप कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ या माइनस एम टू प्लस एम। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव क्यू से प्लस पॉजिटिव क्यू था, वैसे ही आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट माइनस एम से प्लस एम है। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। वेक्टर हो गया, डायरेक्शन हो गई, यूनिट क्या होगी? आप बोलोगे सर अब तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, एम की यूनिट थी केजी। नो नो नो, एम मास थोड़ी है, एम की यूनिट होगी एम्पियर इंटू मीटर। अच्छा,
एम्पियर इंटू मीटर इंटू लेंथ, लेंथ भी है मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। डायमेंशन कहूँगा तो एम्पियर का तो करंट है इसलिए आई, मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो दैट इज आई एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर। अच्छा, ये है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये तो बात हुई वो जो एग्जाम में हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए याद रखनी है। प्रैक्टिकली है ना एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं बहुत ही ना क्लियरली बोलता हूं कि आप लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यही मान के चलना, यही मान के चलना है ना, लेकिन प्रैक्टिकली है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो इस वैल्यू से हल्का सा छोटा आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकली वाली बात है, उसको किसी सवाल में यूज नहीं करना बच्चों, यूज नहीं करना, लेकिन ऐसे ही ना मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके पास कोई मैग्नेट है जिसका साउथ पोल यहां पर और नॉर्थ पोल यहां पर, प्लस एम यहां पर और माइनस एम यहां पर, तो मैग्नेट डायपोल मोमेंट होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, माइनस एम यहां पर प्लस एम यहां पर, तो मैग्नेट डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर बार मैग्नेट की अगर लेंथ एल है तो यहां पर एक छोटी सी बात और है बेटा, और वो बात ये है कि जो आपके एक्चुअल में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते ना वो एंड्स पर नहीं होते, वो कोनों पर नहीं होते, वो हल्के हल्के अंदर होते हैं। आपको कभी किसी समय में कंसिडर नहीं करना है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, वो हल्के हल्के अंदर होते हैं एंड इट इज फाउंड दैट, अगेन मैडम मैं कोई डिराइव तो कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ, दिस इज योर मैग्नेटिक लेंथ, मैं इसे एल एम बोल रहा हूँ, और ये लगभग लगभग आपकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ थी ना एल उसकी 84% के आसपास होती है, मतलब 0.84 टाइम्स एक्चुअल लेंथ होती है, ये है आपकी मैग्नेटिक लेंथ। और इस कारण से आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आती है एम इंटू दोनों पोल्स की जो डिस्टेंस, दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो एल नहीं है बल्कि मैग्नेटिक लेंथ है, और मैग्नेटिक लेंथ जो है वो आपकी एक्चुअल लेंथ की 0.84 टाइम्स होती है। ठीक है, दिस एल एम कैन बी नोन एज मैग्नेटिक लेंथ, सो दिस इज योर 0.84 टाइम्स एम इंटू एल। तो इस बात को आप याद रख सकते हो कि किसी भी बार मैग्नेट का अगर हम जनरल कैलकुलेशन से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं, प्रैक्टिकली वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आता है वो उसका 0.84 टाइम्स के आसपास या 84% के आसपास होता है। ठीक है, तो हो सकता है बेटा कभी कभी ना कभी आप इस चीज़ को फेस करो, हालांकि मुझे लगता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों आपको ये आना चाहिए, ठीक है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि यू कैन अवॉइड ऑल दीज। ठीक है, इसी को सही माने, इसी को सही माने, हाँ ये तो अवॉइड करें, ठीक है, इसको अवॉइड करें, ये तो मुझे पता था। आगे चले, चलिए, ये है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आगे चलते हैं बच्चों, और बातें सोचते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। याद करो हमने कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी थी, और हमने शायद ये कहा था
कि वो सारा का सारा रीजन, वो सारा का सारा इलाका, वो सारा का सारा क्षेत्र जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता हो, दैट एंटायर रीजन, दैट एंटायर स्पेस, दैट एंटायर वॉल्यूम इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। यही कहा था। इसी तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण या किसी मैग्नेट के कारण जितने रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, दैट एंटायर रीजन इज नोन एज योर मैग्नेटिक फील्ड। वो पूरे रीजन को, उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे इलाके को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे द रीजन अराउंड ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल और मैग्नेट इन विच देयर इज सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं की अपन लोगों ने, अपन लोगों ने सिर्फ उस इलाके को, उस क्षेत्र को, उस रीजन को, उस वॉल्यूम को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, जिस रीजन के अंदर चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हैं या फिर किसी मैग्नेट के कारण आज इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपने प्रोड्यूस कर रखे हैं, उस रीजन को, उस स्पेस को, उस वॉल्यूम को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बोलना स्टार्ट कर दिया। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स कितने ज्यादा है इस बात को जज करने के लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की थी, वैसे ही हम अब डिफाइन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे शब्द यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज, ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और भी नाम है इसके, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर थी, वैसे ही आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि किसी रीजन के अंदर कितने ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, प्रेजेंट हैं। अगर किसी रीजन के अंदर, अगर किसी रीजन के अंदर, बड़ा मान लो ये रीजन है, इस रीजन के अंदर अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, इट मींस दैट इस रीजन के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, या फिर दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत कम है तो पक्की बात है कि उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, और अगर किसी रीजन के अंदर अगर आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स जीरो हैं तो इस बात का मतलब यह है कि वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मेरे मुंह से कई बार ना ये निकल जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैं कई बार ना बातें बातों मैग्नेटिक फील्ड बोल देता हूं। ऐसी गलतियां हम पहले भी करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है,
बोला ही नहीं है, बल्कि सवालों के अंदर लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, वो बोल देते थे। उनका अर्थ यही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है। इसी तरीके से यहां पर भी ये गलती होगी, होगी हमसे भी होगी, मेन में एडवांस में सवाल पूछेंगे तो वहां पर भी ये एक तरह से नॉर्मल नोमेनक्लेचर में बात आ चुकी है कि कहीं पर लिख दें कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी है तो समझ जाना वो क्या बात कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है। तो कभी वैल्यू दे दे कि मैग्नेटिक फील्ड 50 है तो समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर में ये वाली बात तो याद होनी चाहिए। तो अगर किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ही नहीं है तो इसका मतलब पक्की बात है कि वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है। फेयर एनफ। आगे चलिए, नेक्स्ट इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखेंगे। मैं हालांकि मैं इस बात को अलग से टॉपिक बताकर भी बोलूंगा, बट एक बार यूनिट और डायमेंशन लिख लें इसलिए बात बताऊं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर अगर किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू को रख दिया तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आया करता था, याद करो, और उसकी वैल्यू हुआ करती थी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ गया होगा। उसी तरह से अगर इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मोनोपोल है, सर अकेला मोनोपोल नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, यहाँ कहीं उसका बड़ा दूसरा मोनोपोल भी होगा। अगर ये मोनोपोल है दूसरा मोनोपोल, अगर ये प्लस एम है तो माइनस एम यहाँ कहीं पड़ा होगा। मैं एक बार माइनस एम की बात नहीं कर रहा, एक बार सिर्फ प्लस एम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस मोनोपोल पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मैं मैग्नेटिक फोर्स बोलूंगा, और उसका फॉर्मूला वही होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स का था। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्यू इंटू ई था, यहां पर क्यू की जगह कौन आएगा, एम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। हालांकि मैं इसको एज ए हेडिंग डालकर भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पर यूनिट और डायमेंशन लिखने के मूड में था तो मैं एक काम करता हूं, इससे कम से कम इस फॉर्मूले से मैंने रिलेट करके बता दिया कि बेटा जैसा फॉर्मूला यहां था वैसा फॉर्मूला यहां पर है। तो कम से कम मैं अब आप लोगों से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो पूछ ही सकता हूं। बताओ जरा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है। मेरे ख्याल से न्यूटन पर, ये एम केजी, नहीं केजी थोड़ी है, क्या है ये था मेरे ख्याल से एम्पियर इंटू मीटर। तो लिख दो एम्पियर इंटू मीटर, और अच्छे से लिखना चाहो लिख दो। न्यूटन को हम लोग बोलते थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, और हमारे पास आ गई इसकी एक यूनिट, दैट इज केजी पर एम्पियर सेकंड का स्क्वायर, केजी पर एम्पियर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको हम लोग, निकोलस टेस्ला बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर हम लोगों ने इस यूनिट का नाम निकाल दिया टेस्ला। हम लोग केजी पर एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर शब्द यूज नहीं करेंगे, हम इसको टेस्ला ही बोलेंगे। इट इज एब्रिवेटेड एज कैपिटल टी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, उनके नाम पर इनका ये यूनिट आई है, दैट इज टेस्ला। आई होप दैट्स ओके। डायमेंशन लिखना चाहोगे वैसे तुम खुद ही लिख दोगे, लेकिन चलो इतना तो मेरे को भी आता है। ऊपर तो है मास, एम्पियर का है करंट तो आई की पावर माइनस वन, टाइम है नीचे तो ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू, ये इसकी यूनिट एंड डायमेंशन। आगे बताओ बेटा स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई बातें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी इसके पास, सब डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर। सर बार बार आप मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो, सर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो, बेटा कहाँ ना यही शब्द चलते आ रहे हैं, बढ़िया है, क्या दिक्कत अपन, है ना। वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छी बात है, और इसका बेसिक मैं तो बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट उतने ही ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम तो बड़ा आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी उस रीजन के अंदर कम।
मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब उस रीजन के अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। और यार मैं एक बात बोलना भूल गया, इसी टेस्ला को, हालांकि ये बात ना भी बोल दूं चल जाएगा, इसी टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे जाके हम एक यूनिट बनाएंगे बेटा, ठीक, वेबर, तो इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, पता होनी चाहिए। बाकी तो इसमें कोई ऐसे बहुत ऐसे कमाल की बात तो नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, जो मैंने यूनिट लिखने के लिए जो बात बताई उसको अब हेडिंग डालकर भी लिखते हैं, है ना, ढंग से लिखते हैं बच्चों। और आज का दिन तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का है कि हम किसी तरीके से इन बातों को मन में बैठा लें कि हमें अगले महीने भर तक ये सब बातें सीखनी है, यही बातें देखनी है, तो इनको कम से कम दिमाग के अंदर हम सेट कर लें, है ना। पहला पहला दिन तो लगता ही है इन सब बातों में, पहला पहला दिन तो लगता ही है। जब पहली पहली बार अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो, है ना, एक डेढ़ दिन तक अपन लोग वो चार्ज वार्ज ही देखते रहे, चार्ज क्या है, क्या कर रहा है, ये देखते रहे। वही हाल आज है, जब एक बार चार्ज समझ में आ गया फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगने लग गया, फिर आखिर तक आता तो खूब सारे तांडव कर लिए अपन लोगों ने। इसी तरह से पहला 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 लेक्चर है, थोड़ा बहुत अपन को, है ना, रटना वटना पड़ेगा हल्का हल्का। हालांकि कोई रटना चीज़ अब तक लगी नहीं होगी क्योंकि मैंने कंपेरिजन से काफ़ी सारा काम चला दिया, लेकिन कंफर्टेबल होने वाला जोन है अभी, तो आराम से कंफर्टेबल हो। एक बार अगर हम इन सारे टर्म्स के साथ कंफर्टेबल हो गए फिर तो उस पर हम बड़े आराम से बिल्डअप कर सकते हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, पूरा का पूरी थ्योरी सब बिल्डअप हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट इज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मोनोपोल placed in magnetic field, किसी magnetic field के अंदर अगर monopole पड़ा है, तो उस monopole पर कैसे force होंगे। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, मान लीजिए कि ये magnetic field है, ये डायरेक्शन इसके पास, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बी है। सर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है पता नहीं, इधर कोई मैग्नेट पड़े होगी उसके कारण होगी, या कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे उनकी वजह से होगी, आई डोंट नो, लेकिन है। इसके अंदर मान लीजिए कि कोई मैग्नेट पड़ी है, उसका मोनोपोल यहां पर है नॉर्थ पोल। सर अकेला नॉर्थ पोल तो हो ही नहीं सकता, बट इसके साथ कहीं ना कहीं साउथ पोल भी जुड़ा होगा। एक बार आप तो सिर्फ और सिर्फ इस मोनोपोल पर ही ध्यान दो, ठीक है। इस मोनोपोल पर फोर्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स, एंड उसकी वैल्यू होगी, अगर इसका पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम, दैट इज एम इंटू बी, फोर्स आएगा एम इंटू बी, चलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर बी है, और इसके अंदर यदि कोई साउथ पोल पड़ा है जिसका पोल स्ट्रेंथ है माइनस एम, तो उस पर जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, बिल्कुल वैसे जैसे नेगेटिव चार्ज को अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता था, उसी तरह से साउथ पोल को अगर हम किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस साउथ पोल पर जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं, उसके अपोजिट लगेगा, और उसकी वैल्यू होगी एम बी। सर यहां माइनस नहीं लगा रहे बेटा, माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, बता दो डायरेक्शन। फिर भी अगर आप फॉर्मूला याद करने के मूड में हो तो मैं कहूंगा कि मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म शुड बी इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर, और इस एम को विथ साइन लिख दिया करो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ फोर्स, अगर ये नेगेटिव हुआ तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक
फोर्सेस, इसको विथ साइन लिखना है। और अगर मान लीजिए डायग्राम में दिखा रहे हो तो साइन के साथ ना भी लिखो चलेगा, क्योंकि आप उसमें एरो तो लगा ही चुके हो, तो आपको कोई लोड ही नहीं है इसमें, चलेगा वाला काम, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हेडिंग लिखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक बार मैग्नेट रख दी है, तो कुछ बच्चे तो मेरे ये सोच रहे होंगे कि अब सर बोर करेंगे, क्योंकि सर ने जिस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल रखा था, सर तो वैसे ही आज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल रख रहे हैं। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर डायपोल था इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहां पर ये मैग्नेटिक डायपोल है, तो सर काफी हद तक वही बातें आएंगी, बिल्कुल वही आएंगी। लेकिन मैं सारी बताऊंगा, मैं जानता हूं कि इससे आप हो सकते हो कि हल्के फुल्के बोर हो जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी भी है ना मक्कारी क्यों करूं, है ना, सब बताता हूं, तो हल्का फुल्का आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा भी है। तो चलिए सुन लीजिए, हालांकि जो भी डायग्राम बनाएंगे वो आपने पहले बना रखे हैं, जो भी सवाल करेंगे वो आपने पहले कर रखे हैं, जो भी फॉर्मूले निकालेंगे वो भी वही रहेंगे, इवन आखिर के अंदर सवाल भी सेम रहेंगे, फॉर्मूले भी सेम रहेंगे, याद करने वाली सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी वैसी रहेंगी। तो चलिए, ये आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, पता नहीं किसकी वजह से है, होगा कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, या होगा कोई करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरह से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते थे, वैसे ही हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एक मैग्नेट रख दी यू, जिसका नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, ये माइनस एम, ये प्लस एम, इसकी लेंथ एल, ये आपका डायपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। थीटा किन किन के बीच में एंगल है, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। फोर्स देखो, आप बोलोगे कि सर इस प्लस एम पर फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एम बी, इस माइनस एम पर फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट कम्स आउट टू बी एम बी। मैं आपसे पूछूं कि इस बार मैग्नेट पर कितना फोर्स है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि सर फोर्स तो जीरो है। भले ही फोर्स जीरो है लेकिन उसके इफेक्ट आ रहे हैं। सर कैसे, ये जो फोर्स आगे लगा और ये जो फोर्स पीछे लगा है, आप इस बात को इमेजिन कर रहे हैं कि इस पर फोर्स आगे और इस पर फोर्स पीछे, तो रोटेटिंग इफेक्ट तो आएगा, टॉर्क तो आएगा, और वो टॉर्क हमें निकालना आता है। उस टॉर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये एल है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये है एल साइन थीटा, जिसे हम कह सकते हैं एल परपेंडिकुलर। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई है एम इंटू एल साइन थीटा, सॉरी फोर्स है एम बी इंटू एल साइन थीटा। इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दैट इज एम बी साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं टॉर्क इज एम क्रॉस बी, बिल्कुल वैसे जैसे वहां पर पी क्रॉस ए था वैसे वहां पर एम क्रॉस बी, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि टॉर्क कैसे लिखना है, एक बार ऑफिस से देखना, इस मोनोपोल पर सामने की तरफ फोर्स है एम बी,
इस साउथ पोल वाले मोनोपोल पर फोर्स है पीछे की तरफ एम बी, बिल्कुल वैसे जैसे इस पेन पर सामने की तरफ फोर्स है और इस हिस्से पर फोर्स पीछे की तरफ है। ऑफ कोर्स नेट फोर्स जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो आएगा। लेकिन क्या कोई इन इंडिविजुअल फोर्सेस के कोई इफेक्ट ही नहीं है क्या? हाँ बोलो, इफेक्ट तो है। अगर मैं इस पेन को आगे खींचूं, यहां से पीछे खींचूं, तो ऑफ कोर्स पेन पर एक रोटेटिंग इफेक्ट तो आएगा और वो रोटेटिंग इफेक्ट इज ऑफ कोर्स नोन एज अवर टॉर्क। यहां पर जो टॉर्क होगा वो होगा फोर्स कपल वाला केस है, जब भी दो फोर्सेस इस तरह से सेम मैग्नीट्यूड के हों और अपोजिट डायरेक्शन के हों तो इस तरह के फोर्सेस को हम फोर्स कपल कहते हैं। उनका नेट फोर्स भले ही जीरो आ रहा हो लेकिन कोई ना कोई टॉर्क जरूर आता है, आपने देखा भी कैसे आता है टॉर्क, और इस टॉर्क की वैल्यू होगी वन ऑफ द फोर्स एम बी मल्टीप्लाइड बाय दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जिस लाइन के अलोंग ये फोर्सेस लग रहे हैं उन दोनों लाइंस के बीच का सेपरेशन। एज यू कैन सी दैट कि दिस सेपरेशन इज एल साइन थीटा, दैट इज एम बी एल साइन थीटा। एम इंटू एल को मैं कैपिटल एम लिख सकता हूं और हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है एम बी साइन थीटा। वैक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो टॉर्क इज एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी बेटा समझ में आ गया होगा। दिस इज योर एम वैक्टर, दिस इज योर बी वैक्टर। एम वैक्टर की तरफ हाथ ले जाओ, बी वैक्टर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ तो टॉर्क आ गया अंदर की तरफ। सर ये कैसा अंदर की तरफ टॉर्क आ गया बेटा? इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। मैं आपको रोटेशन में पढ़ा भी चुका हूं इस तरह की बातें। इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, और ये जो एक्सियल वेक्टर है भले ही टॉर्क अंदर की तरफ हो लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन ये वाला है, इस तरह से रोटेट करना चाह रहा है, यू यू रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है चलेगा। ये आपका आ गया टॉर्क एंड दैट इज एम क्रॉस बी। यहां पर मैं आपसे दो तीन छोटे छोटे केसेस और डिस्कस करना चाहता हूं। मैं एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल वाले केस में टॉर्क का फॉर्मूला याद करो बच्चों, आप लोगों ने पी क्रॉस ई पढ़ा था। यहां पर मैग्नेट डायपोल मोमेंट, वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। एंड आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ोगे माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यहां पर एक मैंने ये प्रूव नहीं किया, मैं इस बात को ना ऐसे काम चला रहा हूं, ठीक, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा चलेगा। अब इन सब बातों से ना मैं आपको दो छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूं, मतलब हेडिंग वही है, दो केस डिस्कस करना चाहता हूं, आराम से सुनिए समझिए, दो केस डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहला केस, इफ थीटा इज 180 डिग्री या फिर पाई रेडियंस। मेरे कहने का मतलब कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है पी, और आपका डायपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं है उसके अपोजिट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऐसे, एम जिसमें ऐसे है तो ऑफ कोर्स यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। साउथ पोल पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे। नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ऑफ कोर्स इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इट इज समथिंग लाइक कि आपके पास अगर ये बार मैग्नेट है तो इस पर फोर्स यू, इस पर फोर्स यू, आपने एक तरह से इसको ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रखी है। ऑफ कोर्स नेट फोर्स इज जीरो, नेट टॉर्क इज आल्सो जीरो। अच्छी बात है बेटा, आपको नजर आ गया कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। टॉर्क की अगर बात करें तो मेरे बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूला इज एम बी साइन थीटा, थीटा इज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, डायपोल मोमेंट ऐसे, एंगल इज ऑफ कोर्स 180 डिग्री, साइन 80 इज जीरो, सो टॉर्क कम्स आउट टू बी जीरो। इस इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 इज माइनस वन,
माइनस ऑफ माइनस वन इज ऑफ कोर्स एम बी. दिस कैन बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. ऑफ कोर्स इससे ज्यादा पोटेंशियल तो पॉसिबल है ही नहीं ना. ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क जीरो है, फोर्स तो वैसे जीरो था, टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो. इस बात का मतलब है कि ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, तो याद कीजिए पक्की बात है कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है. जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा आता है वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है. ये तो समझ गए ना बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा क्यों है. माइनस एम बी कॉस थीटा की वैल्यू एम बी से बड़ी नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू तो एम बी आएगी. ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस बात को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझा सकता हूं. देखना, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड है यू, इस पर फोर्स है यू, इस पर फोर्स है यू, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो. स्टेबल अनस्टेबल चेक करना है तो इसको हल्का सा शिफ्ट कर दे, कर दिया शिफ्ट. नॉर्थ पोल पर फोर्स आएगा एम बी, साउथ पोल पर फोर्स आएगा यू, और ये सटाक से यू हो जाएगा. यू हो जाएगा मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाएगा. तो आप बोल सकते हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर दूर जा रहा है तो दीज काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. इसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. सिंपल. अगर मैं इसका एक दूसरा केस और डिस्कस करूं तो दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री. थीटा इज जीरो डिग्री. अब थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री में टॉर्क मेरे ख्याल से अगेन बड़ा वापस से जीरो आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरे ख्याल से मिनिमम आएगी. थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री का अर्थ क्या है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे, और आपका डायपोल मोमेंट भी इसी तरफ है. आपने एक मैग्नेट डायपोल रखा है, यू रखा है ऐसे, उसका मैग्नेट डायपोल मोमेंट है ऐसे. ये है मेरा प्लस एम और ये है मेरा माइनस एम. प्लस एम पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, माइनस एम पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट. इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, साउथ पोल को इधर खींच रखा है, नॉर्थ पोल को इधर खींच रखा है. यू आर पुलिंग लाइक दिस. इफ यू आर पुलिंग लाइक दिस ऑफ कोर्स नेट फोर्स इज जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो, देयर इज नो रोटेटिंग इफेक्ट, देयर इज नो रोटेटिंग इफेक्ट. सो यू कुड से कि सर टॉर्क का फॉर्मूला इज एम बी साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, सो टॉर्क इज जीरो. If we have to find the potential energy, that is of course minus mb cos 0, cos 0 is 1, so potential energy is minus mb, and as we can see that this is the least potential energy possible. ये सबसे कम potential energy है. ये जो सबसे कम potential energy है इसका मतलब ये है आपका stable equilibrium position. This is your stable equilibrium position. ये है आपकी stable equilibrium position. अच्छी बात है, stable है, stable है, ये अच्छी बात है. अच्छा, stable है, इस बात को आप feel भी कर सकते हो. North pole पर force magnetic field की तरफ, magnetic field ऐसे है, south पर है magnetic field के opposite, तो forces यू लग रहे हैं. चलो अच्छी बात है, मैंने इसको हल्का सा rotate कर दिया तो north pole पर force लगेगा इधर, साउथ पोल पर फोर्स लगेगा इधर. ये जो फोर्सेस होंगे ऑफ कोर्स इस पूरी पूरी बार मैग्नेट को किधर लाना चाह रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू जीरो की तरफ लाना चाह रहे हैं, और थीटा इक्वल्स टू जीरो की तरफ लाना चाह रहे हैं. इस बात का मतलब ये है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को हल्का सा यू घुमा देंगे और अगर ये एंगल थीटा है तो बार मैग्नेट पर टॉर्क आएगा ऐसे यू, और इस तरह के टॉर्क को आप एक नाम दे सकते हो, रीस्टोरिंग टॉर्क. ये रीस्टोरिंग शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये टॉर्क पार्टिकल की, सॉरी, बार मैग्नेट की पोजीशन को, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है. और ये जब वापस लाने की कोशिश करता है इस कारण से हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं. इन दोनों केसेस में किस केस में ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो आप बोलो सीधी सी बात है, ऐसे अगर मैं बार मैग्नेट को एंगल 30 पे छोड़ दूंगा
तो पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, सर इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के आस पड़ोस में ही आपके ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल है, और अगर थीटा छोटा हुआ तो हो सकता है कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पॉसिबल। चलिए देखते हैं। हालांकि हम ये चीज दोबारा देख रहे हैं बच्चों, हम लोगों ने ये सारे के सारे बातें इलेक्ट्रॉन में देखी थी, और कोई भी समझदार बच्चा कहेगा किस तरह की बातें रिपीटेटिव हैं, बिल्कुल रिपीटेटिव हैं, लेकिन अपन क्यों मक्कारी करें, सारी चीजें पढ़ रहे बंदो, सवाल पूछ लेते हैं आईआईटी वाले। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट जिसका डायपोल मोमेंट है एम, ये एंगल है थीटा, इस पर टॉर्क आएगा ऐसे, इस टॉर्क को मैंने नाम दे दिया है रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड दैट इज एम बी साइन थीटा। टॉर्क जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो पक्की बात है कि ऑसिलेटरी मोशन तो होगा ही होगा। एसएचएम होने के लिए ये जरूरी है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, बल्कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। देन आप कहोगे सर एक केस जब आपका थीटा काफी छोटा हो, उस केस में सर हमने सीख रखा है कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, और उस केस में इस रीस्टोरिंग टॉर्क को हम एम बी थीटा लिख सकते हैं, और उस केस में मैं कह सकता हूं कि ये एंगुलर एसएचएम करेगा। एंगुलर एसएचएम सिर्फ और सिर्फ कब करेगा, जब आपने छोटे एंगल थीटा से छोड़ दिया, उस केस में आपका ये जो बार मैग्नेट है ये ऐसे ऐसे एंगुलर एसएचएम करेगा, अदरवाइज ऑसिलेटरी मोशन करेगा। हालांकि हर एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन है, हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं है। थीटा छोटा होगा तो एसएचएम है, थीटा अगर बड़ा हुआ तो सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन है, एसएचएम नहीं है। सर इसका मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, अरे भाई क्यों नहीं निकाल सकते, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। सर आई कहां से, अगर हिंज्ड है, अगर आपने इस बार मैग्नेटो कहीं से हिंज कर रखा है, यहां से कहीं से हिंज कर रखा है, तो आई को हिंज से लिखें, अगर हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास से लिखें। ये हम शुरुआत से रोटेशन से इस बात को जानते हैं। टॉर्क कहीं से भी लिख दो सेम आएगा, फोर्स कपल का टॉर्क कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से लिखते हो, तो ये तो हमेशा वही रहेगा। और रही बात इसकी, हिंज हो तो हिंज के अबाउट, हिंज ना हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और आपके पास आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई इन टू थीटा, अल्फा इज ऑल्सो नोन एज डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आई रियली होप बड़ा आपको हल्का फुल्का कंपेरिजन पता ही होगा। एंगुलर एसएचएम प्रूव करने के लिए एंगुलर एक्सलरेशन शुड बी समथिंग इन टू थीटा, दिस समथिंग इज योर ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सो आप कहोगे सर इस एसएचएम की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो है रूट एम बी अपॉन आई, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, और याद कर लो बच्चों यही वाला फॉर्मूला आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर भी याद किया था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई, आई अपॉन पीई, यहां पर आई अपॉन एम बी, बढ़िया है क्या देखो। ये हमारे पास टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड। सर आई कहां से, बड़ा आई जो है ये आई अबाउट हिंज होगा, अगर आपने इस मैग्नेट को हिंज्ड कर रखा है, कील से ठोक रखा है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा इफ नॉट हिंज्ड, अगर हिंज नहीं कर रखा तो हमेशा इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा करो, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा इसमें तामझाम नहीं है, आई होप चलेगा ही, है ना। आगे चलते हैं बच्चों, हालांकि इसका यूज बड़ा बिल्कुल आखिर में आएगा, हम कभी ना कभी ये गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि इस तरह के टॉर्क वर्क की बातें हम तब फिर से करें, ठीक है, देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब देख लेंगे। आगे चलते हैं, एक सवाल, एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बी, इस तरह से आपके पास एक मैग्नेट है
जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट है i। मैंने इसको ऐसे किसी एंगल थीटा से छोड़ दिया, थीटा बड़ा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि इस पर टॉर्क ऐसे है, ये जो टॉर्क है लगातार इसके ओमेगा को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, यही मैग्नेट जब यहां से गुजर रहा होगा उस टाइम पर इसके पास ओमेगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही इसके आगे जाएगा ना उसके बाद तो आपका टॉर्क जो है वो तो यूं लगने लग जाएगा, ऐसे लगने लग जाएगा, और उसके बाद तो आपका ओमेगा लगातार टॉर्क घटाएगा घटाएगा घटाएगा, यहाँ के यहाँ जाके ओमेगा वापस से जीरो। मुझे ओमेगा मैक्सिमम निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, बड़े आराम से कर देंगे। आपने रिलीज कर दिया यहां से, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक माइनस एम बी कॉस थीटा, बच्चों फॉर्मूला याद रहा, ठीक है। ओ यार मैंने काइनेटिक तो जीरो लिखनी थी यार, इनिशियल तो रिलीज किया गया तो इनिशियल काइनेटिक तो जीरो। हाँ इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर रखा है, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी कॉस जीरो, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज एम बी वन माइनस कॉस थीटा, और ओमेगा की वैल्यू आई है टू टाइम्स एम बी अपॉन आई वन माइनस कॉस थीटा का रूट, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर, ये आपकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आ गई, फेयर एनफ। चलिए तो यूं अगर छोड़ोगे तो ऐसे तो अपने आप आ जाएगा। एक सवाल और पूछ लेता हूं, एक सवाल और पूछ लेता हूं, मान लीजिए कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और कोई मैग्नेट है ऐसे जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m और ये वाला एंगल है आपके पास 60 डिग्री। मैं चाहता हूं कि आप इस मैग्नेट को यू घुमा दो ऐसे, एंगल 60 डिग्री और घुमा दो ऐसे, ऐसे इनिशियली था ऐसे फाइनली आपने घुमा दिया है, और आपने बिल्कुल आराम आराम से घुमाया है, स्लोली घुमाया है। पहले फिर से बोल दो सवाल, मैग्नेटिक फील्ड यू है यूनिफॉर्म है, मैग्नेट पहले ऐसे पड़ी थी, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट को आपको यू रोटेट करना है, ऐसे पड़ी हुई मैग्नेट यू तो अपने आप चली जाती है लेकिन ऐसे लाने के लिए तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको वर्डन करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपसे पूछा है कि बताओ ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन क्या होगा, तो सवाल लिखिए बच्चों, फाइंड वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट to rotate the magnet by angle 60 degree slowly। अब जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है तो पक्की बात है कि है ना, क्या कहते बेटा उसे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो हो नहीं सकती, पक्की बात है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो चेंज हुई है। आप कह सकते हो कि सर एक काम कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज बेसिकली फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल माइनस
इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल। आपको सर इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक तो सेम ही है, हम बहुत नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जीज को रोटेट कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बहुत सारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पहले से याद रहता है, वो कहते हैं कि सर हमने याद कर रखा है फॉर्मूला कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? एम वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, और एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 120। तो मेरे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम डी कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस इनिशियल, इनिशियल होगी माइनस एम डी कॉस 60, माइनस माइनस प्लस कॉस 120 मेरे ख्याल से माइनस आप होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज एम बी बाई टू, दैट इज एम बी बाई टू। सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज ऑफ कोर्स प्लस एम बी। और अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मैग्नेटिक फोर्सेज ने कितना वर्क डन किया तो आपका जवाब होता सर माइनस एम बी, क्योंकि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्सेज होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चले। नेक्स्ट, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मोनोपोल। मैं जानता हूं बेटा अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता अलग बात है, लेकिन हम उसके वजह से फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं। जैसे अगर ये कोई नॉर्थ पोल है या फिर प्लस एम है, तो सुनिएगा, अगर मुझे पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, वैसे पॉजिटिव मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यूं होगी। इट विल बी लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड्स। क्या शब्द यूज कर रहे हो मेरे बच्चों? अरे यार क्या लिखा, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर ये पॉइंट P है और अगर ये डिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सॉरी, यहाँ पर चार्ज नहीं है, चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। This magnetic field will be inversely proportional to square of distance. बिल्कुल वैसे जैसे वहां था। और हमारे पास magnetic field का formula आ गया है K m upon r square. वहां पर electric field का formula था K q upon r square. यहां पर है K m upon r square. m is not mass, m is of course pole strength. Pole strength. वहां पर K की वैल्यू थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर K की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये साइन का नाम है म्यू नॉट नॉट। इस टर्म का नाम है बड़ा कांस्टेंट है, इट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल दो, वैक्यूम बोल दो, एक ही बात है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आई होप इसको तुम याद कर लोगे। ये है बड़ा आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। म्यू नॉट की, अच्छा ये जो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई है, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू तुम लोग याद रख सकते हो।
इसकी वैल्यू किसी किसी सवाल के अंदर हो सकता है कि हमारे काम आए, एंड दैट इज 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो म्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी आपके पास, म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4π×10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बड़ा पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज कर सकते हो, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1.256637×10^-6 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इस न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को हम हेनरी पर मीटर भी लिख सकते हैं, हालांकि मैंने हेनरी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बोलूँगा नहीं। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि आप बेटा इसको ना न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ही लिखें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वैल्यूज़ लिख तो दी कि ये इनकी वैल्यूज़ हैं, आपको याद नहीं करनी है। ये बात सुनकर तो मज़ा आ गया होगा कि याद नहीं करनी, हाँ ठीक है। आप ये जरूर याद कर सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4π जो है ये 10^-7 आया है, तो इस k की जो वैल्यू है वो 10^-7 आया है इन SI यूनिट, इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट 10^-7। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k की वैल्यू 9×10^9 आई थी, वैसे यहां पर k की वैल्यू, k मतलब म्यू नॉट अपॉन 4π की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। इतना याद कर लो, हमारा काम बन जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो किसी भी फ्री स्पेस का वैक्यूम के लिए यहां पर आपके पास एक कॉन्स्टेंट होगा, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई और मीडियम होगा तो परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम हो जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम हो जाएगा, वो हम आगे जाके कभी ना कभी डिटेल में देखेंगे। एक बार हमारे लिए इतना काफी है, एक बार काफी। फेयर इनफ। मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड को तुम वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे? आप बोलो सर क्यों नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4π ये तो कांस्टेंट, इनटू m अपॉन r स्क्वायर ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है r वेक्टर की तरफ, r वेक्टर की तरफ, तो r कैप। हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r स्क्वायर, r कैप कैन बी रिटन एज r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, और हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में याद करने का शौक हो तो याद कर सकते हो कि फॉर्मूला आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4π, ये तो आपका कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 10^-7 m अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। ये फॉर्मूला अगर ये साउथ पोल हुआ ना तब भी काम दे जाएगा, इस m को विद साइन लिख देना तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आर वेक्टर की तरफ नहीं होगा, अपोजिट होगा। हम अभी डायग्राम बना लेंगे, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये दोनों केस में फॉर्मूला काम देगा। सिर्फ और सिर्फ आप इतना सा काम करें कि इस एम को विद साइन लिख दें, प्लस है तो प्लस लिख दें, माइनस है तो माइनस लिख दें, और चिल रहे, अपना काम बन जाएगा बढ़िया से। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अगर यहां पर साउथ पोल होता तो क्या होता? वही होता और क्या होता, कोई अलग से मेरे पास बात है नहीं बेटा। हाँ, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स ना होकर रेडियली इनवर्ड्स, बिल्कुल वैसे जैसे नेगेटिव चार्ज एक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, वैसे ही कौन आई है साउथ पोल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो अगर आपके पास ये साउथ पोल है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे आएगी। चलिए अच्छा, काम बन गया अपना। तो ऐसे, और साउथ पोल से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका अगर तुम फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो फॉर्मूला बड़ा वही है, कांस्टेंट
कॉन्स्टेंट इज 10^-7, जिसको आप वेरिएबल्स में लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4π. म्यू नॉट इस साइन का नाम है म्यू नॉट. और रही बात क्या कहते हैं बेटा उसे टर्म का, तो ये टर्म है परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन आर स्क्वायर. रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन आपने इनवर्ड्स बताई दिया है. और वेक्टर फॉर्म में अगर कहूँ तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला वही है, मेरे पास कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है. प्लस हो तो प्लस में लिख दो, माइनस हो तो माइनस लगा दो. डायपोलमेंट आपका पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखे. और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल. मोनोपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरह से आएगी, नॉर्थ पोल की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स, साउथ पोल की वजह से रेडियली इनवर्ड्स, एंड दैट्स इट. मस्त रहो, अपना काम बन जाएगा. चलिए ठीक है, चलो कल पढ़ते हैं, है ना. होमवर्क में हीट ट्रांसफर वाली शीट निपटाओ, है ना. उसकी एक्स्ट्राइज वेक्स्ट्राइज भी करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ये तो बड़ा ठीक है, कल से करते हैं ना, इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं इसमें. आज इंट्रोडक्शन में लग गया, कल भी थोड़ा बहुत टाइम इंट्रोडक्शन में लगेगा, तो इसमें होमवर्क वगैरह से मान के चल लो कि परसों से ही कुछ मिलना स्टार्ट हो पाएगा, है ना. शुरुआत में कुछ डेरिवेशंस वगैरह भी होंगी, तो डेरिवेशंस वगैरह में तुम जानते हो मुझे तो समय लगता थोड़ा सा, है ना. तो होमवर्क वगैरह अपन फिर बाद में कर पाएंगे, चलेगा इतना तो.